गोरखपुर संत कबीर नगर दौरे पर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र, बाढ़ बचाव कार्यों का निरीक्षण करेंगे मंत्री। चौरी चौरा पर हिपात तटबंध पर भी जाएंगे संत कबीर नगर के बेहरा दादी तटबंध पर करेंगे निरीक्षण। तो गोरखपुर संत कबीर नगर दौरे पर जल शक्ति मंत्री पहुंचे हुए हैं, बाढ़ बचाव कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ चौरी चौरा बरहीपात तटबंध समेत कई तटबंधों का करेंगे निरीक्षण। संत कबीर नगर के बेहरा डाडी तटबंध का भी करेंगे निरीक्षण। डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री दौरे पर है, जहां पर बाढ़ बचाव कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मार्तंड जुड़ चुके हैं। मार्तंड, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर महेंद्र सिंह का दौरा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कहां कहां जाकर वो आज निरीक्षण करने वाले हैं? जल संपत्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आज गोरखपुर और संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे। लगातार देखा गया है कि गोरखपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, ये वो जिले हैं जहां पे नेपाल से नदियां आती हैं, नेपाल का पानी आता है, जिसके बाद जो है इन क्षेत्रों में बरसात के समय में जो बरसाती नदियां हैं उसमें बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में लगातार जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार इन लोगों को निश्चित कर रही है और लगातार जो भी नदियां हैं, तटबंध हैं, उनको जो है उनके लिए विकास कार्य कराया जा रहा है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है, जो भी नहरें हैं उनको साफ कराया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय बारिश का मौसम है। ऐसे में उससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार और जल शक्ति जो मंत्रालय है वो ये चाहता है कि सारी तैयारियां दुरुस्त कर ली जाए, ताकि एक महीने बाद जब बारिश का प्रकोप हो या जो निमाल से पानी आता है उसकी वजह से बहुत नुकसान न हो। आज जो है जल शक्ति मंत्री गोरखपुर और संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर से चौरी चौरा बहरीपात तटबंध, मलौनी तटबंध, सहजनवा के बोक्टा तटबंध और खड़गपुर सापुर सोपाई के एसएस तटबंध तक किए जा रहे जो बचाव कार्य है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो संत कबीर नगर जाएंगे, जहाँ धनघटा के बेहरा डाडी तटबंध का वो निरीक्षण करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से बताया कि वो संत कबीर नगर के बेहरा डाडी तटबंध भर पर निरीक्षण करेंगे, बाढ़ बचाव कार्यों को लेकर ये दौरा अहम माना जा रहा है डॉक्टर महेंद्र सिंह का, जिस पर वो बचाव कार्यों को लेकर निरीक्षण करेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी की 10:30 बजे टीम 9 के साथ अहम बैठक, आंशिक कोरोना कर्फ्यू पर चर्चा संभव, लॉकडाउन में ढील को लेकर हो सकती है चर्चा, यूपी के 10 जिलों में अभी भी है आंशिक कोरोना कर्फ्यू, 7 जून के बाद 10 जिलों में क्या कदम उठाए जाएं इस पर होगी चर्चा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 10:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। टीम 9 की इस अहम बैठक में कोरोना के आगे, क्योंकि 7 तारीख के बाद जिन जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ था वो खत्म हो रहा है, तो 7 तारीख के बाद किस तरह की परिस्थितियां हैं और क्या उस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू करना है या किस तरह की ढील देनी है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो कोरोना के मामलों में जिस तरह से कमी आई है उसके बाद टीम 9 की अहम बैठक है, जिसमें आंशिक कोरोना कर्फ्यू पर चर्चा संभव बताई जा रही है, लॉकडाउन में ढील को लेकर भी हो सकती है चर्चा कि लॉकडाउन में ढील दी जाए या फिर अभी लखनऊ और जो जिले 600 से ऊपर जिनके वहां पर कोरोना संक्रमित मरीज है उनमें किस तरह से 7 जून के बाद कौन सी पाबंदियां लागू रखनी है और कौन सी छूट देनी है, इसको लेकर भी चर्चा अहम होने वाली है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। तो यूपी के 10 जिलों में अभी भी आंशिक कर्फ्यू लागू है, जिसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्या कदम उठाए जाए कोरोना को लेकर, किस तरह के समय परिस्थितियां हैं उसको लेकर आगे क्या रणनीति बनाई जाए और लॉकडाउन कम करना है या आगे बढ़ाना है, उसको लेकर आज टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे अहम मीटिंग करेंगे।
जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले हालांकि कम हो रहे हैं लेकिन मौतों की दर वही है, उसको देखते हुए और तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कर्फ्यू में ढील देनी है, क्योंकि 600 से ऊपर जो भी कोरोना के केसेस जिन जिलों में थे वहां पर अभी फिलहाल लॉकडाउन नहीं हटाया गया, अनलॉक नहीं किया गया। जो बाकी के जिले थे वहां पर अनलॉक की स्थिति बना दी गई, उसके बावजूद अब ये देखना होगा कि 7 जून को खत्म हो रहा है ये लॉकडाउन किस तरह से आगे बढ़ाना है जिन क्षेत्रों में 600 से अधिक कोरोना के मामले हैं। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस हालांकि कम हो रहे हैं लेकिन अभी फिलहाल अनलॉक के जिन जिलों में छूट दी गई थी उसके बावजूद भी लखनऊ जैसे कई जिले हैं जहां पर 600 से अधिक कोरोना के मामले अभी भी हैं, तो उसको लेकर क्या लगता है, क्या छूट दी जाएगी, किस तरह की चर्चा में क्या कुछ निकल कर आएगा? टीम 9 की बैठक कर रहे हैं और पहले ये साफ कर दिया गया था कि जिन जिलों में 600 से अधिक संक्रमित एक्टिव केसेस होंगे वहां पे अनलॉक नहीं किया जाएगा। तो अभी लखनऊ समेत करीब 20 जिले ऐसे हैं जहां पे 1400 से 1500 एक्टिव केसेस हैं, तो माना जा रहा है वहां पे अभी कोई भी ढिलाई नहीं दी जाएगी। हालांकि जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है, पर शायद अगर 600 से कम केसेस होते हैं तभी लखनऊवासियों को अनलॉक की सुविधा दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते कुछ ढील मिल सकती है, इसकी संभावना है लखनऊ वासियों को, और जिस तरह से जहां पर केसेस ज्यादा हैं, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि छूट नहीं के बावजूद भी जो लोग हैं अब वो निकलना शुरू हो गया है, लोगों का निकलना, भीड़ इकट्ठा होने लग गई है जहां पर 600 से अधिक केसेस भी हैं, तो क्या सख्ती और बढ़ाई भी जा सकती है? निश्चित रूप से, सबसे पहले यही बोला गया था जब भी अगर कोरोना को कोविड की बात होती है तो कोई भी ढिलाई की बात नहीं की जाती है, मास्क आप सोशल डिस्टेंस की बात की जाती है। पर अगर आप लखनऊ की बात करें तो क्योंकि हम और आप खुद भी निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं जब देखते, तो यहाँ पे लॉकडाउन जैसा कुछ भी दिखता है, आम जनजीवन निकल रहा है रोड पे। हाँ, जो व्यावसायिक केंद्र है जैसे जो शॉप है या मार्केट है, मॉल है, वो जरूर आपको वहाँ पे सन्नाटा पसंद सकता है, पर रोडों पे ऐसा कुछ दिखता है। देखने वाली बात तो ये होगी कि अगर इस दौरान कोई केसेस एकदम से बढ़ते हैं, जैसे हमने देखा है कि पश्चिमी राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए, वैसी कोई स्थिति दोबारा ना हो इसलिए सरकार सतर्क है और वहां के जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको ये बोल दिया गया है कि कोई भी ढिलाई ना दिया जाए। पर अब देखना होगा कि आम जनमानस कैसे रुकता है। हालांकि व्यापारी वर्ग भी बहुत ज्यादा मुश्किल में है, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री तक अपने पहुंचाया था कि जैसे सारी चीजों में ढिलाई दी गई है वैसे कुछ शर्तों के साथ जो व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं उनको भी दिया जाए, छूट दी जाए। अब ये देखना होगा आज शाम तक ये स्थिति क्लियर हो जाएगी, स्थिति आंशिक कर्फ्यू के साथ थोड़ी छूट मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीम 9 की आज अहम बैठक है जिसमें कोरोना के तमाम केसेस को मद्देनजर रखते हुए और परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए छूट दी जा सकती है, इस पर ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार व्यापारियों में भी रोष है, जिस तरह से उनके जो बाजार है और जो उनके कामकाज है वो ठप पड़े हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ी छूट दी जा सकती है, आंशिक कर्फ्यू लगाया जा सकता है, या फिर उत्तर प्रदेश और जो जिले 600 से ऊपर है जहां पर केसेस 600 से ऊपर है उनको भी अब बाजार खोलने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के साथ। तो लखनऊ से इस वक्त की अगली बड़ी खबर, केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज भर्ती, 24 घंटे में 10 मरीजों की हो चुकी है सर्जरी, केजीएमयू में अभी तक कुल 280 मरीज हुए भर्ती। तो बड़ी खबर हम बता रहे हैं, लगातार ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है, 15 नए मरीज केजीएमयू में ब्लैक फंगस के भर्ती हुए हैं, तो कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ाई हुई है, 24 घंटे में 10 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है, 280 मरीज अभी तक कुल भर्ती हो चुके हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिषेक मनी त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार कोरोना पहले कहर बरपा था उसके बाद अब जिस तरह से हम आंकड़े देख पा रहे हैं तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल कीर्ति, आपसे बताना चाहेंगे ये कोरोना की दूसरी लहर के बाद से एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ब्लैक फंगस। लगातार ऐसी समस्याएं आ रही हैं, रोज नए मरीज आ रहे हैं, हालांकि इस समय जो दर है, मृत्यु दर है ब्लैक फंगस को लेकर वो काफी कम हो गई है। केजीएमयू और तमाम ऐसे हॉस्पिटल जो सरकारी हैं उन पर विशेष नजर रख रहे हैं। हाल फिलहाल में अभी 2 मौतें हुई हैं और 10 मरीज, अब तक 280 मरीज जो है क्या कहते हैं भर्ती हो चुके हैं।
अभिषेक, इन 280 मरीजों में अभी तक आपको क्या दिखाई पड़ा, कितने उम्र के ज्यादा से ज्यादा मरीज भर्ती हो रहे, किसमें ज्यादा हम देख पा रहे हैं ब्लैक फंगस का संक्रमण? बिल्कुल कीर्ति, आपसे इसमें बताना चाहेंगे, एक टेक्निकल पॉइंट है। एक्चुअली जो भी मरीज कोरोना से संक्रमित हुए थे उन्हें जिनकी दवाइयां की गई हैं, इसमें एस्टेरॉइड की मात्रा जिनको दी जाती है कोरोना पीड़ितों को, और जो शुगर के पेशेंट होते हैं खास करके एज जो 50 से 55 या 60-65-70 साल की उम्र के शुगर आदि के पेशेंट होते हैं, उनमें ब्लैक फंगस ज्यादा देखने पाया जाता है। जी कीर्ति, किस तरह से तैयारियों को और दुरुस्त करने पर क्या विचार किया जा रहा है, जिस तरह से अब 280 एक्टिव मरीज हैं और लगातार भर्ती जो है ब्लैक फंगस की भी वो भी बढ़ती जा रही थी, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं और बढ़ाई जाएंगी? बिल्कुल, इसके लिए विशेष तौर पर तैयारी की गई है ब्लैक फंगस को लेकर। केजीएमयू मेडिकल हर जगह, सिविल हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, तमाम ऐसे हॉस्पिटलों में सारी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। ब्लैक फंगस के मामले ज्यादातर जो है वो शुगर पेशेंटों के साथ है, इसलिए खास हिदायत दी जा रही है। पीजीआई में भी इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। सरकार पूरी तरह से इस पर नियंत्रण करने के लिए लगी हुई है प्रयासरत। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 24 घंटे में 10 मरीजों भर्ती हुए हैं, बता दें कि लगातार केजीएमयू में मरीजों की जो वृद्धि हो रही है कोरोना ब्लैक फंगस को लेकर। हालांकि कोरोना में जिस तरह से स्टेरॉइड दिए गए उससे शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कहा जा रहा है कि ज्यादातर मरीजों में ब्लैक फंगस का ये जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि बता दें कि मामले ऐसे भी सामने आए जहां पर अब दांतों में भी ब्लैक फंगस का खतरा बन गया है, तो उसको लेकर भी चिंता और ज्यादा बढ़ने लग गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, चर्चित बाइक बोट घोटाला मामले में निगोहा थाने के ब्रह्मादास गांव में 200 बाइक घोटाले से जुड़ी सभी बाइक्स को बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिरासत में लिए गए मकान मालिक और शोरूम मालिक, अधिकारी कस्टडी में लेकर कर रहे हैं पूछताछ। चर्चित बाइक बोट घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की छापेमारी, निगोहा थाने के ब्रह्मादासपुर गांव में 200 बाइक बरामद, बाइक बोझ घोटाले से जुड़ी है सभी बाइक्स। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में एक मकान में मिला है, अधिकारी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, मैं आपसे जान जाऊंगी, ये डब्ल्यू की जो बड़ी कार्रवाई हुई है, 200 बाइक बरामद हुई है, क्या कुछ आगे किया जा रहा है? देखिए क्योंकि ये बड़ा बाइक घोटाला था और तकरीबन 4,000 करोड़ से ऊपर का ये बाइक बोट घोटाला था, नोएडा से लेकर के तमाम ऐसे जिले और तमाम ऐसे प्रदेश और लखनऊ तक के इसके तार जुड़े हुए थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक बड़ी खेप जो रकम जो थी वो लोगों से इन्वेस्टर से ली गई थी, और गर्वित प्रमोटर्स इन्वरटेक के नाम की एक कंपनी थी जो संजय भाटी चलाता था, और इसके साथ कई कई उसके जो लोग थे जो प्रमोटर के नाम पर कह ले या सहकर्मी के नाम पर ले ले या फ्रेंचाइजी और डायरेक्टर नाम पे ले ले, तमाम जो ऐसे लोग थे उन्होंने जनता का जो पैसा था वो इस कंपनी में खपाया। कुछ समय तक उनको उनकी किस्तें थी, लेकिन उसके बाद ये कंपनी उनको किस्त देना बंद कर दी थी। तकरीबन 4,000 करोड़ का ये घोटाला था, और लखनऊ में कल दोपहर से ये छापेमारी लखनऊ पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में हुई है, और तकरीबन 150 से ज्यादा बाइक बोट घोटाले की ये जो बाइकें थी वो अलग अलग इलाकों से बरामद की गई है। कैंट, मोहनलालगंज और निगोहा, इन तीनों ही जगहों पर गोदाम पे छापे मारे गए हैं और बाइक बोट घोटाले से जुड़ी ये बाइकें बरामद की गई हैं। मुख्य रूप से इसमें दो लोग जो जिम्मेदार थे, जो अमित अग्रवाल थे जो इस कंपनी के ये कह ले कि फ्रेंचाइजी होल्डर थे, और उनके साथ साथ कुलदीप शुक्ला जो उस कंपनी के सहकर्मी थे, उन दोनों को हिरासत में लिया गया है। ईओडब्ल्यू की ये कार्रवाई फिलहाल अभी तक इसलिए नहीं बताई गई है क्योंकि लखनऊ में देर रात जो छापेमारी की गई थी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा था कि किसके द्वारा की गई है, लेकिन सुबह इस बात को क्लियर किया गया कि ये लखनऊ पुलिस की ये कार्रवाई है और ईओडब्ल्यू को सूचना दे दी गई है, ईडी को ये सूचना दे दी गई है, क्योंकि दोनों ही एजेंसी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पहले से ही कर रही थी, तो ज्यादातर जो बातें हैं जो पूछताछ का दौर है वो ईडी और ईओडब्ल्यू के अफसर इन दोनों लोगों से करेंगे कि आखिरकार जो बाइकें थी वो किसकी मदद से यहाँ पर छुपाई गई थी और क्या आगे की कार्रवाई थी। तो फिलहाल लखनऊ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें 200 तकरीबन की बाइक बोट घोटाले की जो बाइकें हैं वो लखनऊ के अंदर बरामद की गई। 4,000 करोड़ के इस बाइक बोट घोटाले में कई लोगों के नामजद होने की भी बात सामने आ रही है, तो ईओडब्ल्यू पर जब ये कार्रवाई सौंपी जाएगी तो उसके बाद और भी नामों का खुलासा हो सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, कई घोटाले से जुड़े बड़े जो नाम थे उसमें से कई लोग पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां अभी शेष हैं जिनके लिए एसटीएफ की मदद मांगी गई है। एसटीएफ की टीम और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार उन लोगों की गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है जो इस पूरे गैंग में, जो इस पूरे बड़े घोटाले में लोग नामजद शामिल है।
तमाम बड़े ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम अभी चार्जशीट में शामिल नहीं हुए या मुख्य रूप से उनके सामने नहीं आए। ये दो बड़े नाम हो सकते हैं, अमित अग्रवाल, कुलदीप शुक्ला, जो लखनऊ के अंदर रह करके बाइक बोट घोटाले को आगे बढ़ा रहे थे। अब इनके द्वारा हिरासत में लेने के बाद अधिकारियों के पास कौन कौन से नाम सामने आते हैं जो मददगार इस बाइक घोटाले में शामिल होते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा मासा जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ में ही 15 थानों में इस घोटाले से जुड़े जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। बता दें इसमें अमित और कुलदीप शुक्ला का जो नाम है वो सबसे ऊपर था, तो उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। 200 बाइक बरामद की गई है, बड़ा घोटाला था तो उसको लेकर ये 4000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला था। इसके बाद ईओडब्ल्यू को जांच सौंप दी गई है, अभी फिलहाल दोनों से पूछताछ कर रही है पुलिस। उसके बाद ईओडब्ल्यू को ये दोनों जो मालिक हैं, शोरूम मालिक अमित और कस्टडी में लेकर कुलदीप शुक्ला, दोनों से ईओडब्ल्यू बाद में पूछताछ करेगी। तो ये थी बड़ी खबरें, अब बढ़ते हैं आगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए गोरखपुर जा सकते हैं। रविवार को वो जिले के लोगों को 300 बेड का कोरोना अस्पताल सौंप सकते हैं। वर्तमान में बचाव के साथ ही तीसरी लहर के रिहास से भी इन अस्पतालों को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अभी जिला प्रशासन को कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है, मगर तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पूर्व व वर्तमान सांसद साथ ही पूर्व व वर्तमान विधायकों को निर्देश दिया है कि वो आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना पीड़ितों की मदद करने का काम कर लगातार जारी रखें। लोग गाँव में रहकर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाएं, लगातार जनसंपर्क करते हुए वो देखें कि कोई आस पड़ोस में भूखा ना सोए, इसके लिए समाजवादी रसोई चला सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस ने इसकी शुरुआत कर दी है। गरीब मजदूर लोगों को अनीस रजा व उनके कार्यकर्ताओं अजय यादव, सुहेल जमाल, बिल्लू पांडे समेत कई कार्यकर्ताओं ने राशन बांटा। मेरा नाम अनीस राजा, मैं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष हूं और हाल ही जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम किया था, गरीबों को खाना, जरूरतमंदों को दवाएं, चप्पलों से लेकर के उनकी तमाम जरूरत की चीज़ें पूरा करने का काम किया था, ठीक उसी तरह से जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से ये दूसरे वेव का कोरोना आया, तब से हम लोग समाजवादी पार्टी के तमाम वर्कर जरूरतमंदों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, उनको राशन पानी की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन जिनको नहीं मिल पा रहा था उन तमाम लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था। जौनपुर जेल में कैदी की मौत के बाद दूसरे कैदियों ने बवाल कर दिया, उन्होंने पथराव और तोड़फोड़ के बाद जेल के अस्पताल में आग लगा दी। पुलिस ने गैस के 3 सिलेंडर अपने कब्जे में ले लिए हैं। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, ड्रोन कैमरे से जेल के भीतर नजर रखी जा रही है। बेकाबू कैदियों के सामने जेल प्रशासन बेबस नजर आया, अधिकारियों ने कैदियों से कहा कि वो डीएम और एसपी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। अधिकारी माइक पर यह अनाउंस कर रहे हैं, जेल में करीब 1000 कैदी बंद है। मामला बढ़ता देख वाराणसी जोन के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए, कमिश्नर दीपक अग्रवाल और आईजी एसके भगत मौके पर है। जौनपुर प्रशासन बंदियों में शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौवंशों के बारे में लाखों दावे कर ले, लेकिन उसके अधिकारी अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते सैकड़ों गायों की अप्रत्यक्ष रूप से हत्या कर रहे हैं। गौशाला में जो हालात गायों के हैं उससे तो बेहतर है कि वो सड़कों पर ही नजर आते। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भले ही गाय प्रेम में जी भरकर बजट लुटा रहे हों, लेकिन सरकार के नौकरशाह गाय को चारा और पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। प्रदेश के रायबरेली में सरकारी गौशालाओं में गाय लापरवाही के चलते भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं और उन मरे जानवरों को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। बेजुबान गायों को गौशाला में नोच नोच कर पशु पक्षी अपनी भूख मिटा रहे हैं। मामला जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर महाराजगंज रोड पर स्थित गड़ी खास गौशाला का है, जहां गायों को चील, कौवे और कुत्ते खा रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि गौशालाओं की इस बदतर हालत पर सरकारी कारिंदे मौन हैं। ग्रामीण यहां की गौशालाओं के बारे में एक एक कर सच बता रहे हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी गौशालाओं का यही हाल है, लेकिन प्रशासन ने मृत गायों को गौशाला में दबा दिया है। और जब प्राइम टीवी ने जिम्मेदारों से इस पर जवाब मांगा तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। रायबरेली के गांव गड़ी खास की गौशाला में जो नजारा कैद हुआ, सच मानिए वो आपको झकझोर कर रख देगा। उसे देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। प्राइम टीवी के लिए रायबरेली से ओम शंकर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, गोवंश को बचाने के लिए अरबों रुपए का अनुदान दिया जाता है। इस समय हम जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़ी है खास में एक गौशाला में मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति कुछ और बयां कर रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं यहाँ पे कि गायों की स्थिति इस कदर बद से बदतर है कि यहाँ पर ना कोई डॉक्टर है ना कोई व्यवस्था है। हालात इतने भयावह हैं कि इनका पूछने वाला कोई भी नहीं है। कैमरामैन से कहेंगे कि वो आगे भी दिखाएं। यहाँ झुंड में गायें खड़ी हुई हैं, हालांकि इन्होंने जानवरों के खाने की व्यवस्था तो की है लेकिन इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर समय से आते नहीं हैं और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने सीधे जिलाधिकारी के ऊपर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है और गोवंश इसी तरह तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं। देखना है इन जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति शासन क्या कार्रवाई करता है या इसी तरह गोवंश बचाने के नाम पर बंदरवाट होती रहेगी। कैमरामैन रविंद्र के साथ ओम शंकर शुक्ला। रामपुर में कर्ज में डूबे किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि ये पूरा मामला रामपुर के का है जहां पर एक कर्ज में डूबे किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं कर्ज में डूबे किसान का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।